वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम लेसन 5 चैप्टर का टेम्पलेट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग का लेसन जो 5 है इसमें टेम्पलेट एंड गेज पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है टेम्पलेट हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं टेम्पलेट कैसा टूल्स है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस मटेरियल के बना होता है हम लोग समझेंगे। तो टेम्पलेट एक माइल्ड स्टील का पतला शीट होता है जो जॉब के साइज के और ड्राइंग के अनुसार बनाया जाता है, या माइल्ड स्टील के पतला तार के भी हम लोग इसको बनाते हैं। यह एक मार्किंग टूल्स है, यह क्या है मार्किंग टूल्स है। अब हम जानेंगे टेम्पलेट दो प्रकार के होता है, एक मेल टेम्पलेट होता है एक फीमेल टेम्पलेट होता है। तो मेल टेम्पलेट नाम से जानते हैं मेल माने पुरुष होता है, और इसका उपयोग हम लोग वहां करते हैं जिसे भसा हुआ पार्ट को मार्किंग करने के लिए या जांच करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे ये आप देखे हैं, ये अवतल तल पर है, अवतल है और ये क्या है उत्तल है। तो अवतल में क्या होता है कि धसा हुआ पार्ट रहता है, धसा हुआ पार्ट है। तो इस प्रकार के धसा हुआ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं जांच करते हैं या मार्किंग करने का काम करते हैं। इस तरह का पार्ट हमको धसा हुआ पार्ट को बनाना रहता है तो मेल टेम्पलेट को हम लोग क्या करते हैं रखते हैं, उस तरह पर हम मार्किंग करते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए स्लॉट आकार के गिट्टी के बनाना है, स्लॉट आकार के गिट्टी के बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे एक टेम्पलेट को इसे ले लेते हैं, इस टेम्पलेट को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं इसे इस टेम्पलेट को हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको रख दिया इस स्थान पर और इसके ऊपर हम मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करेंगे तो जो गिट्टी बनेगा और इसको हम यहाँ से क्या रखेंगे क्योंकि हमको यहाँ शुरू तक लगाना है ना, तो इस तरह का हम क्या करते हैं इस तरह का एक एक टेम्पलेट हो गया आपका, एक टेम्पलेट रखा हुआ है और इस तरह से हम क्या करते हैं इसको चिन्हित करते हैं मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में स्क्राइबर के द्वारा चिन्ह लगाकर और फिर पंच के द्वारा पैकिंग कर पाती पका करते हैं। उसके बाद में हम लोग हेक्सा विथ ब्लेड के साथ हम क्या करते हैं काटने का काम करते हैं। तो जब हम टेम्पलेट को मार्किंग में हटाते हैं इसको काटते हैं तो आपको इस तरह का कृति के आपको कटेगा, इस तरह का जॉब बनेगा। तो इस कृति का जॉब बनेगा मतलब धसा हुआ पार्ट बन रहा है, तो जिस टेम्पलेट के द्वारा हम लोग धसा हुआ पार्ट बनता है वह मेन टेम्पलेट का होता है। हमारे मेन टेम्पलेट के द्वारा जो भी हम लोग मार्किंग करेंगे जो जॉब बनेगा वो धसा हुआ बनेगा। अब इसमें देखेंगे फीमेल टेम्पलेट में क्या होता है कि इसका उपयोग हम लोग उठे हुए सतह को जांच करने के लिए या बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। तो मान लीजिएगा अगर इस आकृति को बनाना है तो हम क्या करेंगे इस तरह का टेम्पलेट का यूज करेंगे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे फीमेल टेम्पलेट इस तरह के एमएस मेटल को लेंगे और ये सब मेटल को रखकर और इसी तरह हम क्या करते हैं इसको मान लेंगे यहाँ हम इसको हम इस तरह के हमें रख दिए, ए जो है इसको हमें ए जो है इसको हम रख दिए, रखकर हम मार्किंग कर देंगे इसे अंदर से मार्किंग कर देंगे, ऐसे मार्किंग कर देंगे इसको ऐसे मार्किंग कर देंगे। तो जो कट के निकलेगा वो क्या निकलेगा इस तरह का उठा हुआ भाग निकलेगा, ये जो निकलेगा ये जो निकलेगा उठा हुआ भाग निकलेगा। तो इस प्रकार के जो हम लोग टेम्पलेट का उपयोग करते हैं मार्किंग करते हैं मतलब उठा हुआ भाग को जो भी हमको बनाना रहता है तो हम फीमेल टेम्पलेट को क्या करते हैं यूज करते हैं, फीमेल टेम्पलेट को रखकर और मार्किंग करते हैं तो जो जो हमको निकलेगा वो उठा हुआ निकलेगा, उसका सतह उठा हुआ रहेगा। तो उठा हुआ सतह को मतलब कि मार्किंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फीमेल टेम्पलेट को लेते हैं, और धसा हुआ जो पार्ट हम लोग बनाते हैं तो मेल टेम्पलेट को रखकर मार्किंग करते हैं तो धसा हुआ पार्ट हम लोग का क्या होता है खराब होता है। तो इस प्रकार के टेम्पलेट को हम लोग क्या करते हैं टेम्पलेट का यूज करते हैं। इसका एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसा टूल्स है,
तो मार्जिन 2 से कर सकते हैं। और ये किस मेटल के बना होता है, माइलोजिन के बना होता है, पतला सिक्के या तार के भी हम लोग बनाते हैं। या साधारण भाषा में आप देखेंगे, अगर आप लोगों को आप लोग कागज के भी काट के लोग क्या करता है, कूट के भी काट के क्या करता है, यूज करता है। तो ऐसे अगर जी बहुत लोग ऐसा आता है कि जब ग्राइंड नहीं पता चलता है तो उस तरह का सीट काट कर अभी कूट के काट के भी उपयोग करता है, बनाता है मार्जिन। लेकिन ये इंजीनियरिंग लाइन है, कूट का अगर रखिएगा मेटल को तो कूट फट सकता है, खराब हो सकता है, सही मार्जिन नहीं आता है। इसलिए ये जो कंप्लेट बनता है माइलोजिन का बना हुआ रहता है। तो इसका उपयोग हम लोग जानेंगे, उपयोग क्या है, फायदा क्या है इससे। इससे फायदा यह है कि आसानी पूर्वक हम लोग किसी भी जॉब को माइनिंग कर सकते हैं और कम समय लगता है। दूसरा है कि कम समय लगता है, इसका उपयोग कम कुशल कारीगर भी कर सकते हैं। अगर कम जानकारी अगर कारीगर में रहेगा तो कंप्लेट के द्वारा जॉब को क्या कर सकता है, बना सकते हैं। इसके बाद में लेबर खर्च बचत होता है। मान लीजिए अगर कारीगर बढ़िया रखिएगा तो ज्यादा पैसा लेगा, तो बचत क्या क्या होगा, लेबर बचत कम होगा। और नेक्स्ट क्या है कि समय की बचत होती है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब बनाना है तो उसको ड्राइंग कीजिए, उसके बारे में बनाइए, उसके पंचिंग कीजिए, मार्किंग कीजिए, तो बहुत प्रकार के अच्छे होता है। तो इसमें क्या होता है कि ड्राइंग में जरूरत नहीं पड़ता, उस तरह का कम्प्लेट ही ड्राइंग अनुसार रहता है और हम रख कर तुरंत मार्किंग कर देते हैं, जो भी प्रक्रिया करना रहता है। इसके बाद में हम लोग आसानी पूर्वक जॉब को बना लेते हैं, तो समय की बचत होती है दूसरा बात है। उसके बाद में उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होगा तो जॉब सस्ता मार्केट में मिलेगा, तो इस प्रकार का फायदा है इसके। थैंक यू। और नेक्स्ट हम लोग।